आदिवासी बाहुल्य डिंडोरी जिले में अफसरों की मनमानी के चलते केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री आवास योजना दम तोड़ते हुए नजर आ रही है। टारगेट पूरा करने के चक्कर में अफसरों ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने आधे अधूरे मकानों को भी सरकारी रिकॉर्ड में पूर्ण दर्शा दिया है। हम बात कर रहे हैं बजाग विकास खंड के बेगा आदिवासी बाहुल्य पिपरिया ग्राम पंचायत के सेदुरखार ग्राम की, जहाँ दर्जनों आवास योजना के मकान अधूरे पड़े हुए हैं। गाँव में निवासत भोले भाले बेगा जनजाति के हितग्राहियों का कहना है कि नेमी दास नामक दलाल मकान बनाने के नाम पर उनसे आवास योजना की किस्तें ले ली और आधा अधूरा मकान बनाकर छोड़ दिया। पीएम आवास योजना के हितग्राही समारोह पिता रामू धुर्वे का मकान प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की ऑफिशियल वेबसाइट में कम्प्लीट दिख रहा है, जबकि हकीकत यह है कि उसके मकान का अभी लेंटर भी नहीं हो पाया है। समारोह ने बताया करीब 4 वर्ष पहले उसका पीएम आवास स्वीकृत हुआ था, तब नेमी दास नामक ठेकेदार ने मकान बनाने का वादा कर उससे आवास के किस्तों की रकम ले ली और आधा अधूरा मकान बनाकर छोड़ दिया। समारोह ने बताया कि छत बनवाने के लिए उसने 2 साल तक मेहनत मजदूरी कर पैसे इकट्ठे किए हैं, जिस पैसों से अब वह अधूरे मकान की छत तैयार करवा रहा है। समारोह के बड़े भाई महर सिंह का मकान भी ऑफिशियल वेबसाइट में कंप्लीट दिख रहा है, जबकि उस मकान में भी आधा अधूरा कार्य है। पीएम आवास के हितग्राही महर सिंह की पत्नी गुड्डीबाई ने बताया कि मकान बनाने के एवज में ठेकेदार नेमीदास ने भी उनसे आवास योजना की किस्तें निकलवा कर ले ली और मकान नहीं बनवाया। गुड्डीबाई ने हमें मिट्टी से बने वो एक कमरे की झोपड़ी भी दिखाई, जिसमें वो अपने पति और 3 बच्चों के साथ जीवन यापन करती है। अकेले सिंदूरखार गाँव में 2 दर्जन से अधिक पीएम आवास भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए हैं। ढिंडोरी जिले का वनग्राम चांडा, जहां वीआईपी बेगा आदिवासियों के साथ फोटो खिंचवाने के लिए अक्सर पहुंचते हैं, उसी चांडा ग्राम में बीते 13 फरवरी को स्थानीय सांसद व मोदी सरकार के राज्य मंत्री फगन सिंह कुलस्ते ने पीएम आवास योजना से लाभान्वित 3 बेगा हितग्राहियों को गृह प्रवेश करवाया है। आपको जानकर हैरानी होगी, वनग्राम चांडा में दर्जनों आवास सालों से अधूरे पड़े हुए हैं, जो अब खंडर में तब्दील होने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक जिले में कुल 11,108 आवास अपूर्ण हैं। जिला पंचायत की अध्यक्ष ज्योति प्रकाश धुर्वे ने मामले को गंभीरता से लेते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। तो वहीं स्थानीय सांसद व केंद्रीय राज्य मंत्री फगन सिंह कुलस्ते से जब प्रधानमंत्री आवास योजना में हुई गड़बड़ी को लेकर सवाल किया गया, तो वे गोलमोल बातें करते अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। विंध्यकरण के लिए डेस्क की रिपोर्ट। यह जो प्रधानमंत्री आवास है कैसे अधूरा? ये उसको नेमदास को दे दिया हूँ 3 किस्त, और अपने वो अधूरा है उसको छत के लिए मैं अपने पैसे से मैं डलवा रहा हूँ। कौन है नेमदास? ये जलदा का है, ठेकेदार है। ठेकेदार है, क्या बोल के ले लिया था? ये पूरे बनवा दूंगा करके, छत पूरे भरे सूरज सब डाल के बनवा दूंगा। और आधा बनवाया था? आधा बनवा के छोड़ दिया, छत नहीं डाला था? नहीं डाला। तो छत अपने पैसे से डलवा रहा? जी अपने पैसे से डलवा रहा हूँ। कितना पैसा खर्च कर चुके अभी तक? 56,000। 56,000 जी। कितने दिन तक अधूरा रहा है? ये करीब 2.5 साल हो गए। तो कोई बोला था कि इसको पूरा कराओ करके, तो करा रहे हो कि अपने से करा रहे? नहीं, अपने मन से करा रहा हूँ कि मैं अधूरा कैसे रहेगा। अधिकारी या कोई नेता आए हैं यहाँ पे अभी तक देखने? अभी तो नहीं आए भैया, 3 साल हो गया है हमारा आवास नहीं बन पा रही, अधूरा है। तो उसके मतलब हम का कर पाई? गरीब आदमी पैसा को तो सब ले लिया, 3 किस्त के पैसा, पहले वाले 40, उसके बाद पिछले वाले 45, उसके बाद यह वाला छत वाला फिर 30। तो हम का कर पाई? हम गरीब आदमी आन, हम तय छत ढाल दे ही, ये ठेका ले रहे तो दे दही, ऐसे कहा था हम दे हम। किसको? मीमी दास को। तो वह घर भी नहीं बना पा रही। अभी कहाँ अभी कहाँ रहते हैं आप लोग? हम यही घर में रहते हैं, कैमरा में, झोपड़ी में। कितने लोग रहते हैं आप लोग यहाँ? 5। कौन कौन? 3 बच्चा 2। एक ही कमरे में कैसे गुजारा करते हैं? अरे गरीब आदमी गुजर कर रहे हैं, कैसे करी हम, कहीं अंदर थोड़े चले जाएंगे। सरकार जो ये योजना चला रहा है आवास योजना, अच्छा पराए के घर के अंदर थोड़े ना जाबो। आवास योजना कैसा है जो सरकार चला रही है? ठीक चल रही है, लेकिन का लाभ नहीं मिल पा रहा है? लाभ नहीं मिल पा रहे हमको, वही ला जब पैसा असूली करके मांग लाइन तो हमन ला ऐसे घर दिखाना चाहिए खड़े। गरीब आदमी आन हम, तो हमार से नहीं हो पाई, कहा हम दे दें ठेका, तब पर भी नहीं बन पा रहे, तो कैसे न करी। कोई अधिकारी नेता कभी देखने आए आपके हाल जानने? नहीं आए। कोई नहीं आया? हाँ।
और ये वाकई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो योजना है कि हर व्यक्ति के सिर पे छत हो, इसकी अगर डिंडोरी जैसे जिले में इस तरह की दुर्दशा हो रही है तो बहुत बड़ी जिला पंचायत हो चाहे जनपद हो इसमें बहुत बड़ी कमी है। और इसको मैं प्राथमिकता से खासकर मेरे बैगा क्षेत्र है जहां बिल्कुल अशिक्षित लोग हैं उन लोगों के साथ में इस तरह से हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें शासकीय प्रशासन का कहना चाहिए इन्वॉल्वमेंट होगा तब इतना बड़ा काम हो रहा है, क्योंकि जियो टैग तो अधिकारी करते हैं। मैं इसकी प्राथमिकता से जांच भी करवाती हूं और स्वयं उस क्षेत्र को देखने जाऊंगी और जो भी व्यक्ति इसमें शामिल होगा चाहे कर्मचारी हो चाहे अधिकारी हो चाहे कोई भी नीचे का जनप्रतिनिधि हो मैं उचित कार्रवाई तुरंत करवाने के लिए ऊपर भी लिखूंगी और कलेक्टर साहब से भी बात करूंगी। देखने में आता निचले कर्मचारियों पर कार्रवाई करके औपचारिकता पूरी कर ली जाती है अधिकारियों के द्वारा। ये बात सही है कि जब जियो टैग करते हैं तो कम से कम जिला और जनपद के अधिकारियों को जाकर के वहां चेक करना चाहिए, क्योंकि अभी जैसा मैंने आपके सामने जिला पंचायत में बात किया जनपद में बात किया तो उनका कहना कि जियो टैग हो जाता है मैडम, पर जिम्मेदारी कहीं ना कहीं ऊपर अमले की बनती कि वो जाकर के एक बार उसको देखें जैसा माननीय प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का निर्देश भी है तब उसके बाद जियो टैग किया जाए। तो जो भी अधीनस्थ कर्मचारी अधिकारी होगा चाहे जिला जनपद का होगा पंचायत स्तर का उसको हम अति शीघ्र कार्रवाई कराएंगे। मैं ये जरूर अपनी क्षेत्र की जनता और आपको भी आश्वस्त करती हूँ नहीं रहेगी। कैसे लक्ष्य पूरा होगा प्रधानमंत्री जी का 2022? देखिए लक्ष्य हमारा पूरा होगा, हमने इसको देखिए आगे बढ़ाया है, हमने 24 तक करने का इसलिए क्योंकि इसमें विलम्ब हो रहा है। कई कारण है कि कई बार मटेरियल के अभाव के कारण कुछ कोविड के कारण ये 2 वर्षों में तो हमारा नुकसान हुआ ही है, लोग प्रभावित हुए हैं और इसलिए ऐसे कई कारण हैं और इसलिए इसको हम पूरा ईमानदारी के साथ में